What's up people, welcome back to the channel. आज हम लोग आए हैं केशी, जो कि कोकण में आता है, और ये केशी बीच है. See how beautiful it is. मॉर्निंग एवरीवन. भैया हम लोग 4 दिन के लिए यहाँ पे आए थे. दिस इज़ इन केशी नियर दापोली. या तो मुंबई से कुछ 230-240 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है यहाँ तक. तो हम लोग कल कार लेके आए थे, और या आज मेरे इनलॉज वापस घर जा रहे हैं, तो मैं और अमृता आर थिंकिंग टू स्टे बैक हियर एंड एक्सप्लोर द दापोली. तो ये है मेरे इनलॉज का फार्म. Pineapple, bananas, badam, क्या बोलते पब्लिक, गाँव आने का मजा कुछ अलग ही है, राइट? तो हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द गाँव. अभी जाके फटाफट फ्रेश होके आता हूँ, तब तक के लिए यू ऑल्सो गो एंड गेट फ्रेश. अभी हम लोग आए हैं पहले स्टॉप पे हमारे, जो कि स्वामी विवेकानंद स्मारक. या तो हम लोग ने एक टमटम किया है, सी वो उसने हम लोग को 1000 रुपीज़ चार्ज किया फॉर वन होल डे. हाँ, फर्स्ट स्टॉप है स्वामी विवेकानंद स्मारक, और ये जस्ट एडजेसेंट टू द बीच है. देखना चाहते हो? तो ये है स्वामी विवेकानंद स्मारक. स्वामी विवेकानंद का स्टैचू है, सम मोर लेजेंड्स. यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का स्मारक और बीच. ऑसम प्लेस है. हम लोग थोड़ा सा बीच साइड चलते जा रहे हैं. वहाँ पे पीछे है स्वामीनारायण स्मारक. ओहो, कभी प्राइवेट बीच का नाम सुना है? पूरा बीच अपना है. सी, ना बंदा ना बंदे की साज. बहुत ब्यूटीफुल बीच है ये. बहुत देखो, एक कचरा भी नहीं है. ऑब्वियसली यहाँ पे लोग ज़्यादा आते नहीं है, तो कचरा होगा कहाँ से. सुपर. ऐसा बीच है तो इनको गोवा की ज़रूरत ही क्या है. ऑसम. चलो अभी चलते हैं. धूप है लेकिन लग बिल्कुल नहीं रहा है, क्योंकि हवा बहुत ज़ोर से चल रहा है यहाँ पे, तो या ज़्यादा गर्म हो नहीं रहा है. एटलीस्ट यू आर नॉट स्वेटिंग. चलते हैं अभी नेक्स्ट स्पॉट की तरफ. सेकेंड स्पॉट, कड्यावरचा गणपती. कड्यावरचा मीन्स ऑन द एज.
चप्पल निकाल के अंदर चलते हैं। गणेश जी का दर्शन हो गया, अभी उनके पापा के पास जाते हैं शिव मंदिर। That's it from the second spot. तो अभी हम लोग आए हमारे थर्ड स्पॉट पे, सुवर्ण किला। यहाँ पे फोर्टिफिकेशन वैसे बहुत अच्छा खासा बचा हुआ है। शिवाजी महाराज को मानना पड़ेगा यार, कहाँ कहाँ जाके किस किस कोने में जाके उन्होंने जो फोर्ट्स बांधे हैं, अल्टीमेट वर्क, अल्टीमेट। वो है एक्चुअल फोर्ट, वहाँ पे अभी हम लोग नहीं जा सकते, तो हम लोग यहीं से उसको देख सकते हैं। आप यहाँ से नीचे भी जा सकते हो। तो यहाँ से पहले बोट जाती थी वहाँ पे, जो कि अभी बंद हो चुकी है। अभी बहुत भूख लगा है, अभी ये स्पॉट के बाद हम लोग जाते हैं खाने के लिए। केशव ऑफ अवर फोर्थ एंड सेकेंड लास्ट स्पॉट ऑफ द डे। सो पुराने गांव वाले घर, मस्त लगता है यहाँ का। खाना खाने के बाद, इतना चढ़ने के बाद सब ऐसे ही हजम होने वाला है, ज़रूरत ही नहीं कुछ अलग से करने की। 10 मिनट से चल रहे हैं हम लोग, अभी तक मंदिर आया नहीं है। इसे कहते हैं लेजर ट्रिप में ट्रेकिंग का एहसास। अच्छा हुआ खाना खाने के बाद आए, वरना हम लोग सोच रहे थे कि केशवराज मंदिर जो है वो करके हम लोग फिर खाना खाने जाएंगे। वैसा करते तो यहीं पे लुढ़क जाते थे, फिर हम लोग को उठाने के लिए पता नहीं कौन आता। तो अगर ये करना है ना दिन के आखिर में करो, पहले कर लोगे पूरा थक जाओगे, बाद में कहीं घूमने का मज़ा नहीं आएगा। सो कीप दिस डेस्टिनेशन एट लास्ट। 15 मिनट चढ़ने के बाद फाइनली हम लोग आ गए यहाँ पे। देखो कितना पसीना पसीना हो गया यार। चलो अंदर। सही था, बहुत पीसफुल था, मतलब 15 मिनट चढ़ के आने का वर्थ इट। चलो अभी हम लोग चलते हैं, अपना आगे का लास्ट स्टॉप जो है वो है मुरुड बीच, राइट। एंड हियर वी कम एट मुरुड बीच। बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं जीन्स पहन के आया हूँ। नॉट गुड। चलो देखते क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। देखिए F1 रेस कार,
लेकिन अच्छा है एरिया, मैंने पहली बार देखा किसी बीच पे, बाकी सब स्पोर्ट्स तो कॉमन ही है। ऊपर राइट और वो वहाँ पे बनाना राइट। मुझे नहीं पता था कि आप सब स्पोर्ट्स है। जी यार, और अभी अगर पहले पता होता ना तो मैं पूरा शॉर्ट्स पहन के ये सब राइड वगैरह करने के लिए आ जाता था, लेकिन अभी पता नहीं था तो हम लोग जस्ट यहाँ पे थोड़ा टाइम बैठे थे और जस्ट व्यू का मज़ा ले रहे थे, दैट्स इट। बट बहुत मज़ा आ रहा है। वहाँ पे बहुत क्राउडेड था, जहाँ से एंट्री होता है ये बीच के लिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो हम लोग थोड़ा सा ये साइड आ गए थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा शांत है, थोड़ा पीसफुल है, तो यहाँ पे आके बैठे थे एकदम चिलैक्स। अभी थोड़ा टाइम घूमेंगे और अभी सनसेट तो हो गया ऑलरेडी, कुछ खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे। जस्ट अराइव्ड एट होम। मज़ा आया यार आज का दिन। इफ़ यू गाइज हैव एंजॉयड, प्लीज़ गिव अ थम्स अप। हम लोग अभी कल जाएंगे, कल हम लोग का प्लान है हरिहरेश्वर और दिव्यागर करने का, तो या कल हम लोग मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। यार ये पुराने ज़माने के दरवाजे देखो, कैसे आने का, तो यहाँ घूमते रहो घुमाते रहो एंड हैव फन इन योर लाइफ गाइज। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।